मिनी जो कंप्यूटर में लगते हैं सीपीयू के अंदर, और ये हमें 30 रुपये के मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। ये 12 वोल्ट से चलते हैं, और यह है नाइक्रोम वायर जो हार्डवेयर की दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर मिल जाएगी। ये 3000 वाट की है, MRP 80 रुपये है इसकी। अभी आपको देखो इसको निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो गजाई की तरह आती है, हीटर के अंदर लगती है। हमें इसी का उपयोग करेंगे गर्म एयर देने के पंखे में, देखो ऐसी आती है। यह है पीपा, ये तेल का है, हम पुराना पीपा ले आया है हमने। आपके घर में कोई पुराना पड़ा होगा, अब देखो यहाँ से काट लेना, अभी मैंने बताया वहाँ पर, मैंने यहाँ पर काट लिया, देखो काट रखा है, छीनी सी काटा है मैंने। आप काटो जब सावधानी रखना। ये लकड़ी ली है मैंने क्योंकि लकड़ी में करंट नहीं आता, अभी लोहे में लगा देंगे उसको नाइक्रोम वायर को, तो उसमें करंट पास हो जाता है, इसी करंट आने की समस्या रहती है, इसलिए हमें लकड़ी का उपयोग किया है। अब देखो यहाँ पर फ़ैन की जगह बना लिया, हम फ़ैन लगाएंगे यहाँ पर, दो यहाँ पर फ़ैन लगा के हमने गाड़ा खस देना है यहाँ पर। अरे यहाँ पर हमने होल कर दिए, अरे ये हमारे दो फैन, इनको लगा देंगे हम, इनको जब लगाए तो स्क्रू बहुत टाइट करना है क्योंकि इसको बिल्कुल भी ऐसे ढीला नहीं होना चाहिए। देखो आपको टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ उसकी, अभी फ़ैन ऑन है, अभी फ़ैन होते हैं जब फ़ैन हमेशा ऑन रखना है क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं रखोगे तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी, अधिक उष्मा देने लगेगी। अभी आपको मैं फ़ैन बंद करके भी दिखाऊंगा, अभी देखो बहुत उष्मा दे रही है आगे। अभी देखो मैंने फ़ैन बंद कर दिए हैं, अब देखो धीरे धीरे उष्मा बढ़ने लग गई, धीरे धीरे लाल ज़्यादा होने लग गई, देखो आपके सामने वीडियो देखो, देखो कितनी लाल हो गई। लेकिन अब मैंने ज़्यादा देर तक नहीं रखना क्योंकि टूटने की समस्या रहती है, ख़राब हो जाए। देखो हमने स्विच बंद कर दिया, अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, देखो धीरे धीरे कम हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।